हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीचे ऑलरेडी दो वीडियो डाल चुका हूँ, ओके। दो बेहतरीन वीडियो है, एक आपको इन्फो ऐसे रिलेटेड है कि शेयर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या हुआ है आज, उससे रिलेटेड वीडियो, एज वेल एज अगर बात की जाए इस वीडियो की तो हम एक कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसका बोनस शायद आपको आने वाले टाइम में 5 या 6 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है, उसके लिए उसने सेबी में मतलब अगर बात की जाए एक्सचेंज को बताया है, ओके। मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, ओके। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, सब कुछ उसके बारे में जानते हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको फौरन तौर पर मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ। तो इससे पहले एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके। और अगर आप श्री राम जी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, अयोध्या के मंदिर बनने में मदद करिए, अगर और इस तरीके से मदद एक पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ। अगर बात करें जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें करने जा रहा हूँ वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो सबसे पहले वीडियो नाम देख के बिल्कुल मत छोड़ देना, क्यों? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल सब इस वीडियो में जानेंगे ताकि आपको एक पता चल सके कि अगर बोनस नहीं मिला कल की डेट को तो हमारे साथ क्या होगा, क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना ये शेयर को, तो ये शेयर लगभग 100, अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 107 108 रुपये तक ये शेयर गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट हो गई, तो ओके गिरावट क्यों हो गई, तो यहाँ पर शेयर चल रहा था जो कि आज का यहाँ पर ही चल रहा है, तो यहाँ पर शेयर चल रहा था, बोनस अनाउंस हुआ, बोनस अनाउंस होते ही साथ अनाउंस इसका मतलब कि कंपनी कहा कि हम बोनस देंगे, बट यहाँ पर जब बोर्ड मीटिंग हुई तो उन्होंने केवल डिविडेंड दिया, बोनस उन्होंने नहीं दिया। तो अगर बोनस नहीं मिला तो उसके बाद शेयर देखिए धराशायी हो गया और लगभग 80 रुपीज़ के आसपास ये शेयर आता हुआ हमें दिखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-4 दिन पहले 80 रुपीज़ पर चल रहा था। बट आज दोबारा कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि हम बोनस के पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज अच्छी खासी जंप लगभग 8% ये शेयर भागा है। तो अगर ये कंपनी हमें पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं, इससे रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि देखिए बोनस, बाईबैक, डिविडेंड, ओके, और ये राइट इशू स्प्लिट, इसके लिए कभी भी शेयर को नहीं खरीदना होता, क्योंकि उसका जो प्राइस एडजस्टमेंट होता है ना वो ऑटोमेटिकली बाद में भी हो जाता है, और जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ट्रेडर्स के लिए ठीक है न्यूज़, ट्रेडिंग जैसे कि आया तो ट्रेडर के लिए अच्छा खासा उन्होंने पैसे बनाया, बट इन्वेस्टर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर जिनके पास पुराने टाइम पे होगा, जिन्होंने बहुत पुराने टाइम पे खरीद रखा होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, उससे रिलेटेड भी देखिए बात करेंगे। 2018 में ये कंपनी आई थी, आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं इसका, बहुत वॉलेटाइल है, भाग रही है, गिर रही है, इस तरीके की ये कंपनी हमें नजर आ रही है। तो कंपनी करती क्या है, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखिए इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, और फुल्ली ओन बाय क्या है, गवर्नमेंट, मतलब अगर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनके वो ऑनर है। अगर बात की जाए यहाँ पर, देखिए कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़, ये रेलवे से रिलेटेड काम करती नज़र आती है, हाईवे से रिलेटेड ये कंपनी काम करती नज़र आती है, बिल्डिंग स्टेशन मलेशिया इससे रिलेटेड काम करती आती है, ब्रिज फ्लाईओवर से रिलेटेड कंपनी, सिग्नल जो आपको यहाँ पर ट्रेन में दिखते हैं वो जो ट्रेन के यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स आपको दिखाई देता है वो सब चीज़, मतलब मैकेनिकल सब कंपनी हर चीज़ में आपको काम करती हुई नज़र आती है। इसलिए एक बार इनकी वेबसाइट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये कंपनी ट्रेन से रेलवे से रिलेटेड जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको घाटा तो ये कभी मुश्किल ही देगी, ओके। और अच्छा खासा ये बिजनेस करती भी आई है, अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, इन्वेस्ट में हमेशा थोड़ा रखना स्मॉल कैप कंपनी में, हमेशा बताता हूँ, क्योंकि वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है, भागता है शेयर तो बहुत तेज भागता है, गिरता है तो बहुत तेज गिरता है, और इसे IRCTC से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि IRCTC में देखिए जब टिकट बुक होती है तो IRCTC ही होती है, चाहे नॉर्थ का पर्सन करे, साउथ का करे, ईस्ट का करे, वेस्ट का करे, इंडिया में कहीं से भी करे, तो बुकिंग वहाँ से होती है। बट इरकॉन को के अलावा एक कल परसों एक वीडियो डाली थी, वो बताया था RVNL भी कुछ इसी तरीके का काम रेलवे से रिलेटेड करती हुई आती है, तो प्रोजेक्ट बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर हम ROCE की बात करें तो 9.8 ही है इसका ROCE, और डेट इक्विटी रेशो की बात करें 0.29 का है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी को कुछ फाइनेंशियल्स की, तो सेल्स देख लीजिए क्वार्टरली सेल्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है, केवल जून और सेप्टेम्बर में थोड़ा कम
हुआ था, क्यों? क्योंकि आपको पता है पेंडामिक। बट यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स जो नज़र आती है। अगर एक्सपेंस और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी देखिए कहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बीच में कम हुआ। तो इसी तरीके का इनका जो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है शेयर में, उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी यहाँ पर हमें नज़र साफ नज़र आती है ये चीज़ें। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं कुछ खास ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर मार्च में बात करें, सेल्स केवल 3152 करोड़ रुपए की थी, और अभी भी बात करें तो लगभग देखिए यहाँ पर सेल्स केवल 4794 रुपए की। मतलब 10 साल में कंपनी ने इतना कुछ खास करके नहीं दिखाया है कि हाँ कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही हो, जिस तरह अच्छे खासे उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में देना होगा। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बीच में देखिए कितना अच्छा खासा आ रहा था, बट उसके बाद गिरावट यहाँ पर, बट ठीक है, अच्छा खासा मतलब कंपनी कम से कम प्रॉफिट तो कर रही है, घाटा नहीं जा रहा, तो इस चीज़ को भी हमें देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी ज़्यादा पैसा मत लगाना, थोड़ा पैसा ही इन्वेस्ट करके रखना। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के रिजर्व्स आप देख सकते हैं 4000 करोड़ के रिजर्व्स से बढ़ते हुए मैनर में। बोरोइंग की बात की जाए, पहले डेट फ्री कंपनी थी, फिर बहुत अच्छा इन्होंने बोरोइंग ज़्यादा ले ली, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम भी कर रहे हैं, 1231 करोड़ की बोरोइंग है। इन्वेस्टमेंट 845 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इनका बोरिंग इन्वेस्टमेंट है। कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो 2913 करोड़ रुपये का कैश है। ओके, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट के पास है 89% के शेयर यहाँ पर है। तो आपको पता ही है तीन साल के अंदर यहाँ पर सेबी के रूल्स के हिसाब से 75:25 में यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। ये रूल सबके लिए अप्लाई नहीं होता, तो आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है वो इसके लिए एक्सेप्शन होती है, वो चाहे तो कर सकती है, वो चाहे तो नहीं भी कर सकती, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए गवर्नमेंट के अंडर है, 3 साल के अंदर तो आ भी सकता है यहाँ पर OFS भी आने को आगे हमें देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो यह कंपनी कब आई थी, यहाँ पर आई थी सितंबर 2018 में, तो सितंबर 2021 तक ओके यहाँ पर आपको OFS भी आता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और अगर बात करें FIIs की, तो FIIs कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, DIIs भी इसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। और पब्लिक की बात करें तो हाँ, पब्लिक ने अच्छे खासे यहाँ पर शेयर लेके रख रखे हैं 8-9% के। तो अगर बात की जाए गवर्नमेंट के बाद जो शेयर है उसके बाद पब्लिक की ने ही ले रखे हैं, क्यों? क्योंकि पब्लिक को यहाँ पर क्या नज़र आता है, यहाँ पर बोनस डिविडेंड देते हुए नज़र आती है, तो कंपनी ये ले लेते हैं। बट यहाँ पर रिजर्व्स यहाँ पर देखिए ना, कंपनी इज़ नॉट मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, इनका जो प्रॉफिट और इनका जो रेवेन्यू है वो भी वॉलेटाइल है लाइक अ शेयर प्राइस, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देना है। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आइकॉन इंटरनेशनल हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज को बता दिया है, सेबी को बता दिया है क्या कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेटेड उन्होंने जो अपनी ट्रेडिंग विंडो है वो 48 आवर्स के लिए बंद कर दी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं 61 रुपये का शेयर 26 मार्च को था, आज भी देखिए 26 मार्च 2020 उसी के लेवल के आसपास है, तो कंपनी ने कुछ ऐसा खास करके दिखाया नहीं है। तो इस तरीके की कंपनी में आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मैं जाना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा अगर मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ। तो 30% के शेयर यहाँ पर है, इससे बढ़िया मुझे RVNL नज़र आता है, जो कि मैंने आपको कल परसों यहाँ पर वीडियो भी बना के दिखाई थी। अगर यहाँ पर देखा जाए 30 रुपये का मैंने आपको पेनी स्टॉक बताया था कि 30 रुपये का पेनी स्टॉक है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 30 रुपये का पेनी स्टॉक, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो यहाँ पर आप सारे सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। 52 वीक हाई वही जब आया था, इनका बोनस से रिलेटेड अनाउंस किया था, तो 108 रुपये तक भाग गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर गिर गया, फिर आज वॉलेट यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। ओके, कि बोनस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लेते, यहाँ आप देख लीजिए बोनस के लिए यहाँ पर बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर द प्रपोजल फॉर इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर, तो शायद यहाँ पर बोनस शेयर आपको मिल सकता है इस बार, तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये जब इनकी बोर्ड मीटिंग होगी तब ये बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका BSE पर आपको इनसे मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो इनकी ट्रेडिंग की जो विंडो होगी इरकॉन के, यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये क्लोज रखेंगे 30 मार्च से, मतलब आज की डेट से कब तक के लिए, 48 घंटे के लिए, फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो, और ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी यहाँ पर अनाउंस करने वाले, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर ये बोनस को भी यहाँ पर अनाउंस कर सकते हैं। तो इस
चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज के दिन की ये न्यूज़ है, लगभग 12 बजे ये न्यूज़ आती हुई हमें नज़र आई थी। ये न्यूज़ आपको टीवी पर भी नज़र आएगी, आई होगी। तो ये सब चीज़ थी। अगर इसको टेक्निकल्स देख लेते हैं तो देखिए, टेक्निकल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेक्निकल्स की, तो इस तरीके का जब चार्ट पैटर्न बनता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये होता है कि ये जो शेयर है, तो ये शेयर इतना ही भागता हुआ हमें नज़र आता है। इस तरीके का कर्व बनता हुआ जब नज़र आता है, तो ये शेयर जिस लेवल से इसे गिरा था ना, उस लेवल पर ये नज़र आता है, तो ये 108 रुपये तक जा सकता है। तो ये कितने टाइम में जा सकता है, अगर बात की जाए तो ये विद इन वन मंथ ये जा सकता है। बट इस तरीके की न्यूज़ आ गई है तो अभी वॉलीटिलिटी दिखाएगा, और वॉलीटिलिटी दिखाने के बाद ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। तो कितना गेन दे सकता है इसकी भी अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये शेयर आपको यहाँ पर आप देख लीजिए, एक मिनट, तो लगभग लगभग ये शेयर 107 रुपये 108 रुपये तक जा सकता है। तो इतना ही गेन यहाँ पर आप दिखा सकता है। तो इस बस यही गेन था। बाकी अगर मैं आपको बात करूँ कुछ ऐसे शेयर की, तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का एक यहाँ पर शेयर था, उसने भी यहाँ पर बोनस दिया था। बोनस देने के बाद ये शेयर यहाँ पर लगभग लगभग आप देख सकते हैं 4300 रुपये तक गया, उसके बाद धराशायी होता हुआ नज़र आया। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आपको शेयर लेना है तो अच्छी कंपनी में लेके बैठे, अदरवाइज इन कंपनी में तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर आप सोचेंगे कि हाँ इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी हाँ, ट्रेडिंग पर्पज़ से आप ले सकते हैं, कुछ न्यूज़ है उसको उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बाकी और मेरी कोई राय आपको बाइंग सेलिंग की नहीं है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर इस चीज़ से रिलेटेड पूछ लीजिएगा कि हमें ये शेयर लेना है या नहीं लेना, और ख़ुद की स्टडी डेफिनेटली करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाकी हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो फौरन तौर पर आपको मिलती रहे। और हमें एक फैमिली बनानी है, एज यूजल मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। तो हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, ताकि आप तो पैसे कमाएं एज वेल एज दूसरे लोग भी इस चीज़ का फायदा ले सके, और वो भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।